झुंझुनू के गौरीर गांव के रहने वाले तथा दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक जवान का वीडियो सामने आया है, जिसे वह देश के गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुझाव दे रहा है। यह जवान है रणवीर सिंह, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। वीडियो में रणवीर सिंह बता रहे हैं कि वे छुट्टी पर गांव गए थे और अब लॉकडाउन के चक्कर में ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे हालातों में राजस्थान पुलिस के एक आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने जवानों को कहा है कि वे जहाँ पर भी हैं वहीं पर अपनी उपस्थिति देकर वहाँ पर सेवा दें, ऐसा ही गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को करना चाहिए। जो भी अर्धसैनिक बल तथा सेना के जवान हैं या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उन्हें अपने संबंधित थानों में उपस्थिति देकर सेवा करने का आदेश देना चाहिए, ताकि ऐसे विकट समय में हम लोग भी देश की सेवा कर सकें और स्थानीय स्तर पर थानों को भी अतिरिक्त मैन पावर मिल जाए। पर था छुट्टी पूर्ण होने के बाद लॉकडाउन की वजह से तैनाती पर नहीं जा पाया। मेरी तरह मेरे बहुत से साथी तैनाती पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो देश की इस विपरीत स्थिति में महामारी के समय सेवा करना चाहते हैं। तो मैं जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने कल आदेश जारी किया, उसी प्रकार मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अर्धसैनिक बल और सेना के जवान छुट्टी पर हैं, छुट्टी पूर्ण होने के बाद लॉकडाउन की वजह से तैनाती पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो इस तरह का ऑफिशियल आदेश जारी करें और फोन के माध्यम से हम सबको सूचित करें कि अपने नजदीकी थाना अधिकारी को रिपोर्ट कर देश सेवा में अपना योगदान दें। जब तक लॉकडाउन पूर्ण नहीं होता है, स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब तक हम सेवा दें, जिससे एक ये भी फायदा होगा तुरंत प्रभाव से मैन पावर लोकल पुलिस स्टेशन को मिल जाएगी और हम लोकल लोग होने की वजह से हम गांव में अगर ज़्यादा जरूर लोगों की जरूरत पड़ी तो एज ए वॉलेंटियर भी हम तैयार कर सकते हैं। आसपास के गाँव को हम हमारे व्यक्तिगत संपर्कों की वजह से भी होती है, तब तक हम सेवा दें, जिससे एक ये भी फायदा होगा तुरंत प्रभाव से मैन पावर लोकल पुलिस स्टेशन को मिल जाएगी और हम लोकल लोग होने की वजह से हम गांव में अगर ज़्यादा जरूर लोगों की जरूरत पड़ी तो एज ए वॉलेंटियर भी हम तैयार कर सकते हैं। आसपास के गांवों को हम हमारे व्यक्तिगत संपर्कों की वजह से भी समझा सकते हैं और हम अपने आप को ये भी महसूस नहीं करेंगे कि हम देश सेवा से वंचित हो पा रहे हैं और देश को इस महामारी से उभारने में हमारा पूर्ण योगदान दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।